Welcome to Women for His Glory program. Hello, स्त्रियों परमेश्वर की महिमा के लिए इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है. In this program, इस कार्यक्रम में we are going to look at the scriptures, हम वचनों को देखने जा रहे हैं, from Genesis to Revelation, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, and see how God, और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु raised women up, स्त्रियों को खड़ा करते हैं, all through the Bible, पूरे बाइबल में, how God raised women up. किस प्रकार परमेश्वर ने स्त्रियों को खड़ा किया एंड यूज देम माइटली फॉर हिज ग्लोरी और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया टू ब्रिंग रेवलेशन इनटू द वर्ल्ड ताकि संसार में प्रकाशन ला सके. इट्स टोटली अमेजिंग, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है हाउ गॉड यूज देम, कि परमेश्वर ने उन्हें किस प्रकार इस्तेमाल किया एंड थ्रू देयर लाइव्स और उनके जीवन के द्वारा The whole generations were saved. उनकी पूरी पीढ़ी बचाई गई. People groups were saved. बहुत सारे लोगों के झुंड बचाए गए. He is a wonderful God. वो एक महान परमेश्वर है. He wants to use us all. वो हम सबका इस्तेमाल करना चाहते हैं. All his children that he created. उनके सभी बच्चे जिन्हें उन्होंने सृजा. He has a plan and a purpose for their lives. उनके जीवन के लिए उनका एक योजना है. In this program. इस कार्यक्रम के द्वारा. Before we go into deeper things. इससे पहले कि हम गहराई में I would like to share about my life a little bit. मैं अपने जीवन के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ. I want to invite you in my life. मैं आपको अपने जीवन में स्वागत करती हूँ. I was born and raised in Fiji Islands. मैं फिजी आइलैंड में जन्मी और वहाँ पे बड़ी. And I am the 11th child in my family. और मैं अपने परिवार की 11वीं बच्ची हूँ. There is 9 boys and 2 girls. हमारे परिवार में 9 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं. When I was just a little girl. जब मैं बहुत ही छोटी बच्ची थी. The Lord saved my family. प्रभु ने मेरे परिवार को बचाया. My family came to know him in an amazing way. मेरे परिवार ने परमेश्वर को बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से पहचाना. Through a miracle of my brother. मेरे भाई के जीवन में एक आश्चर्यजनक काम हुआ. When I was just a little girl. जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी. About 3 months old. एक 3 महीने की बच्ची. My dad got very sick. मेरे पिता बहुत बीमार हो गए. And my mom started searching. और मेरी माँ खोजने लगी. She took my dad to all the doctors. उन्होंने मेरे पिता को सारे डॉक्टरों के पास ले गए. She took him to the temple. मंदिरों में ले गई. And nobody could help her. लेकिन कोई भी उनका मदद नहीं कर सका. She became very, very desperate. वो बहुत ही परेशान हो गई थी. While she was in the temple. और जब वो मंदिर में थी. The priest asked her to do certain ritual things. वहाँ की पुजारी ने उन्हें कुछ काम करने को कहा. And one time. और एक बार. When my dad wasn't getting better. जब मेरे पिता ठीक नहीं हो रहे थे. The priest asked her to fast and pray for 6 months. वहाँ के पुजारी ने कहा कि 6 महीने तक उपवास रखना और प्रार्थना करना. And he told my mom. और उन्होंने मेरी माँ से कहा. That your husband will be healed. कि आपके पति चंगे हो जाएंगे. And my mom was a very devout person. और मेरी माँ बहुत ही परमेश्वर के भय मानने वाली थी. And she did that faithfully. और उन्होंने विश्वास योग्यता से इसको किया. She started her fast. उन्होंने अपने उपवास को शुरू किया. And when she was into 3 months. और जब वो 3 महीने तक करती रही. My dad passed away. मेरे पिता का देहांत हो गया. And she was very sad. और वो बहुत ही दुखी थी. She went to the temple. वो मंदिर वापस गई. And she asked the priest. और उन्होंने उस पुजारी से पूछा. What happened? कि क्या हुआ? And they could not answer her. और वो उनको जवाब नहीं दे पाए. They had no answers for her. उनके पास कोई जवाब नहीं था. Because by this time. क्योंकि इस समय. She has given all her money. उन्होंने अपने सारे पैसे दे दिए थे. And all these animals that the priest asked her to bring to the temple. और ये सारे जानवर जो पुजारी मांग रहे थे. She did all the things they asked her to do. उन्होंने जो भी कहा उन सबको इन्होंने किया. And still my dad passed away. लेकिन फिर भी मेरे पिता का देहांत हो गया. He was very sick. वो बहुत बीमार थे. He had diabetes. उन्हें डायबिटीज की बीमारी थी. And he also had witchcraft in his life. और उनके जीवन में जादू टोना भी था. And my mom. और मेरी माँ. Became very, very desperate. बहुत ही परेशान थी. She came back home very sad. वो बहुत दुखी होकर घर वापस आई. Her husband has died. उनके पति का देहांत हो गया है. And she has all these kids. और उनके इतने सारे बच्चे हैं. How is she gonna feed them? इन सबको कैसे खाना देंगी? How is she gonna raise them up? इन सबको कैसे बढ़ाएंगी? How is she gonna send them to school? इनको स्कूल कैसे भेजेगी? She just had a small house. उनका सिर्फ एक छोटा सा घर था. And a little property around her house. और उस घर के चारों थोड़ी सी जमीन थी. And she had no money left. उनके पास कोई पैसा नहीं था.
So she had to take my older brothers out of the school. मेरे बड़े भाइयों को स्कूल से निकालना पड़ा. And she had to send them to work. और उन्हें काम में भेजना पड़ा. And when they went to work, और जब वो काम करने जाते थे, they made friends with some bad people. और उनकी जो दोस्ती थी बुरे लोगों के साथ हो गई. Who liked to drink? वो शराब पीते थे. Who liked to waste all their money? और वो अपने सारे पैसों को खर्च करते थे. They will come home late at night, all drunk. और रात को बहुत देर से शराब पीकर घर वापस आते थे. And one of my brother. और मेरे एक भाई. Worked for a welding company. एक welding company में काम करते थे. Where they work with metals. जहाँ पे वो लोहे का काम करते हैं. When you work in that kind of factory, जब आप ऐसे कंपनी में काम करते हैं, you have to wear a protective glass. तो आपको एक चश्मा पहनना चाहिए. And my brother, तो मेरा भाई, he didn't wear one. उन्होंने उसे नहीं पहना. And it burned his eyes. और उसके कारण उनकी आंखें जल गई. When he came home, और जब वो घर वापस आए, his eyes was blood red. उनकी आंख खून की तरह लाल था. And he was very sick in lot of pain. और वो बहुत दर्द में परेशानी में बीमार थे. And my mom took him to the doctors. मेरी माँ उन्हें कई डॉक्टरों के पास ले गई. And nothing worked. लेकिन कुछ नहीं हुआ. And she took him to the temple again. फिर उन्होंने उन्हें फिर से मंदिर ले गई. And nothing worked. फिर भी कुछ नहीं हुआ. He wasn't getting healed. वो ठीक नहीं हो रहे थे. And she held all these issues. तो उन्हें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना था. One son is very sick. एक बेटा बहुत बीमार है. He cannot earn money now. वो पैसा नहीं कमा सकता. And other boys और दूसरे लड़के are drinking शराब पीते हैं getting into bad company और बहुत बुरी दोस्ती रखते हैं and here she is with all these children और यहाँ मेरी माँ थी इतने सारे बच्चों के साथ and she started praying और वो प्रार्थना करने लगी she prayed that if there is any God in this universe उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया कि संसार में अगर कोई परमेश्वर है who can hear my prayers जो मेरी प्रार्थना को सुन सकता है who's alive जो जिंदा है Can help me और मेरी मदद कर सकता है help my children मेरे बच्चों की मदद कर सकता है bring some relief कोई छुटकारा ला सकता है and she started praying hard और वो बहुत प्रार्थना करने लगी all her life she has prayed to all these gods उनके पूरी जिंदगी उन्होंने इतने सारे देवताओं की पूजा करी है she had this special room in her house उनके घर में एक खास कमरा था she had all these gods in this room pictures and idols जहाँ पे इतनी सारी मूर्तियाँ और तस्वीरें थी इन सारे देवताओं की she prayed to them all her life उनकी पूरी जिंदगी उन्होंने उनकी आराधना करी but nobody was helping her लेकिन उनमें से किसी ने उनकी सहायता नहीं करी As she was desperate, और वो बहुत ही जरूरत में थी This prayer came out of her heart. ये प्रार्थना इनके हृदय के अंदर से आया If there is any true God, अगर कोई सच्चा प्रभु है Who can hear me? जो मेरी सुन सकता है She told us, और उन्होंने हमसे कहा She had this vision, उन्होंने ये दर्शन देखा And in this vision, और इस दर्शन में She saw this beautiful white horse. उन्होंने ये बहुत सुंदर सफेद घोड़े को देखा. And on this horse was this man. और इस घोड़े में ये एक इंसान था. That looked like an angel. जो एक स्वर्गदूत जैसा था. She did not have human words to describe. उनके पास शब्द नहीं थे इस बात का वर्णन करने के लिए. How beautiful this scene was that she was seeing like a vision. कि वो दर्शन में जो दृश्य को देख रही थी वो कितना सुंदर था And she said when she saw this, और उन्होंने कहा जब उन्होंने इसे देखा she felt peace that she had never felt before. उनके जीवन में ऐसी शांति आ गई जो उनको कभी नहीं महसूस हुई This peace just came over her heart and her mind. ये शांति उनके मन और उनके हृदय में आ गया था All this worry was gone. और ये सारी समस्या चली गई And she liked the way she felt. और जैसे वो महसूस कर रही थी वो उन्हें पसंद आया And she started praying more. तो वो और ज्यादा प्रार्थना करने लगी And she will see this vision. और वो ऐसे दर्शन देखने लगी And one day, और एक दिन my cousin came to visit her. मेरा एक भाई आया था उनसे मिलने my aunt's son. मेरी आंटी का बेटा he was just asking my mom. और वो मेरी माँ से पूछ रहा था आंटी how are you doing? आंटी आप कैसे हैं? How are the children? बच्चे कैसे हैं? My mom started sharing with him. और मेरी माँ उनसे बताने लगी All the things that's going on. इन सारे बातों को जो उनके जीवन में हो रहा था How her son is so sick. कैसे उनका बेटा अभी भी बीमार है And other boys are drinking, getting into bad company. और दूसरे बच्चे शराब पीते हैं और बुरे दोस्तों के साथ रहते हैं That she did not have much money. और उनके पास काफी पैसा नहीं है She is worried. वो बहुत परेशान थी What is going to happen? कि क्या होने वाला है
And she said, I have used all my money on my doctors. और उन्होंने कहा कि मैंने अपने सारे पैसे डॉक्टरों पर खर्च कर दिया है. And nothing is happening. और कुछ नहीं हो रहा है. My son is still sick. मेरा बेटा अभी भी बीमार है. My cousin brother started sharing with her. मेरा भाई जो आया था वो मेरी माँ से बोलने लगा. That his sister-in-law. उनकी भाभी. Was very sick. बहुत बीमार थी. She had this sickness in her body that she was going to die. और उनके शरीर में ऐसी एक बीमारी थी जिसके कारण उनके मृत्यु होना था. And no doctors could heal her. और कोई भी डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे. No priest could heal her. कोई भी पुजारी उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे. No god that they worship could heal her. और ऐसे कोई भी देवता जिनकी वो आराधना करते थे उन्हें ठीक कर पा रहे थे. And the doctor said. डॉक्टरों ने कहा. She had very short time to live. She was going to die. उनको जीने के लिए बहुत कम समय है, वो मरने वाली हैं। And then they heard, तो उन्होंने ये सुना, that this man of God from Australia, ऑस्ट्रेलिया से एक परमेश्वर का दास है, is in Fiji, वो फिजी में आए हैं, and he is doing this meeting, और एक कार्यक्रम करने वाले थे, where he is going to preach about Jesus, जहां वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, and he is going to pray for sick people, और बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाले थे। So my aunt's son's family decided. तो मेरे आंटी के बेटे के परिवार ने ये निर्णय लिया that they are going to take the sister-in-law to this man of God. कि वो इस भाभी को उस परमेश्वर के दास के पास ले जाएंगे and have him pray for her और उनके द्वारा प्रार्थना करवाएंगे in the name of Jesus यीशु मसीह के नाम से. When they took her there और जब वो उन्हें वहां ले गए she was prayed for और उनके ऊपर प्रार्थना किया गया and she was totally healed और वो पूरी तरीके से चंगी हो गई थी. She went back to the doctor वो फिर से डॉक्टर के पास गई and there was now more sickness in her body और उनके परिवार में कोई बीमारी नहीं थी and she wasn't going to die और वो मरने वाली नहीं थी. And my mom was listening तो मेरी माँ इसे सुन रही थी and she got excited और वो बहुत ही खुश हो गई and she thought maybe my son can be healed also और उन्होंने सोचा शायद मेरा बेटा भी चंगा हो सकता है. So my aunt's son तो मेरे आंटी के बेटे ने said to my mom मेरे माँ से कहा आंटी आंटी I'm not asking you to become a Christian. मैं नहीं बोल रहा कि आप क्रिश्चियन बन जाइए. I'm not asking her to come to church. मैं नहीं बोल रहा कि आप कलीसिया में आइए. I just want you to try Jesus. मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को एक बार चख के देखिए. And my mom started thinking. और मेरी माँ सोचने लगी. Well, I worship all these gods. मैं इतने सारे देवताओं की आराधना करती हूँ. I can put one more picture of Jesus in there and worship him too. मैं यीशु मसीह की तस्वीर भी लगाकर उनके भी आराधना कर सकती हूँ. It's not going to do me any bad. उससे मैं कुछ नहीं खोऊंगी. I can try. मैं कोशिश कर सकती हूँ. But she had no idea what she was thinking. पर वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही हैं. And she said, okay. तो उन्होंने कहा ठीक है. You can take my son. आप मेरे बेटे को ले जा सकते हैं. And this man of God can pray for him. और ये परमेश्वर का दास उनके लिए प्रार्थना कर सकता है. So my aunt's son came back. मेरी आंटी का बेटा वापस आया आफ्टर अ वीक और एक हफ्ते के बाद एंड took my brother मेरे भाई को लेकर टू दिस मीटिंग इस मीटिंग में ले गए एंड वी ऑल अस किड्स एट होम वी वर वेटिंग टू सी व्हाट वाज गोइंग टू हैपन और हम सभी बच्चे घर में इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या होने वाला है. एंड लेटर इन द आफ्टरनून और बाद में शाम को माय ब्रदर मेरा भाई एंड माय आंट्स सन और मेरे आंटी का बेटा केम बैक वापस आए And my brother was totally healed. और मेरा भाई पूरी तरीके से चंगा हो गया था. His eyes were back to normal. उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी. From red to white. लाल से सफेद. No more pain. अब दर्द नहीं था. And he had this big smile on his face. और उनके चेहरे में एक बहुत ही बड़ा मुस्कान था. And my mom was just amazed. और मेरी माँ बहुत ही आश्चर्यजनक हो गई थी. And all these children. इन सारे बच्चों में all of us हम सब में were so excited हम सब बहुत खुश थे that our brother was healed कि हमारा भाई चंगा हो गया. He was in no more pain अब वो दर्द में बिल्कुल नहीं था. And my mom said that day और मेरी माँ ने उस दिन कहा that I am not looking back कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी. And my mom decided to take us all to church और मेरी माँ ने निर्णय लिया कि हम सबको कलीसिया ले जाएंगी. And dedicate our life to Lord Jesus Christ. और हम सभी के जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पण कर देंगे. And from next week, और अगले हफ्ते से, we went to church. हम कलीसिया गए. Nobody asked her to. किसी ने उनसे नहीं कहा कि कलीसिया जाओ. Because she saw the change in my brother. क्योंकि उन्होंने मेरे भाई में ये बदलाव देखा. She saw the healing. उन्होंने उस चंगाई को देखा.
and she decided to do that. और उन्होंने ये निर्णय किया कि वो ऐसे करेंगी. And everything changed in my family. और मेरे परिवार में सब कुछ बदल गया. The Lord started prospering us. परमेश्वर ने हमें बहुत ही उन्नति दी. Slowly my brothers started changing their lives also. धीरे धीरे मेरे सभी भाई अपने जीवनों को बदलने लगे. They were not drinking anymore. अब वो शराब नहीं पीते थे. They were not hanging out with bad boys anymore. और वो बुरे लड़कों के साथ नहीं घूमते थे. And the Lord started blessing our family. और परमेश्वर ने हमारे परिवार को आशीष देना शुरू कर दिया. In every way. हर तरह से. Now we had money. अब हमारे पास पैसे थे. In our lives, the relationship started changing. There was love in the house. और हमारे परिवार में प्यार था और सारे संबंध बदलने लगे. And all our neighbors. और हमारे सारे आस पड़ोस के लोग. Started persecuting us. सब हमें सताने लगे. All our families. हमारे परिवार के लोग. Uncle and aunties. अंकल और आंटियां. From my father's side. पिता के परिवार से. Became very jealous. हमसे बहुत जलन करने लगे. To see our family prosper. ये देखकर कि हमारे परिवार की उन्नति हो रही है. And they started cursing us. और वो हम पर श्राप देने लगे. They start saying things that were very bad. और वो ऐसे बुरे बातों को हमारे परिवार के विरुद्ध बोलने लगे. And they started arguing with my mom. और मेरी माँ के साथ लड़ने लगे. How can? कि ऐसे कैसे हो सकता है? You leave all this. आप इन सब को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? Our forefathers for generations. हमारे पूर्वज बहुत सारे पीढ़ी तक ऐसे कर रहे थे. Have served all these Hindu gods. इन सारे हिंदू देवताओं की पूजा कर रहे थे. How can you leave all this? आप ये सब कैसे छोड़ सकते हैं? They became very mad. वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे. They wanted to harm us. वो हमारा नुकसान पहुंचाना चाहते थे. But God started protecting our family. लेकिन परमेश्वर हमारे परिवार को बचा रहे थे. We started seeing amazing things started happening. हम आश्चर्यजनक कामों को होते हुए देख रहे थे. It was so powerful, we have never seen this before. ये इतना सामर्थ्य था, ऐसे हमने पहले कभी नहीं देखा था. He is an amazing God. वो एक महान परमेश्वर है. And my family just started prospering. और मेरा जो परिवार है वो उन्नति होता गया. And my mom said. और मेरी माँ ने कहा. To all our other families. हमारे दूसरे परिवार के सदस्यों से. When my husband died, when my husband was sick. कि जब मेरे पति बीमार थे, जब वो मरे. Nobody helped me. आप में से किसी ने मेरी सहायता when नहीं करी. When my son got sick. जब मेरा बेटा बीमार था. Nobody helped me. किसी ने सहायता नहीं करी. Nobody bring me anything. किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया. Didn't even come to see me. मुझे देखने भी नहीं आए. Never asked me how I was doing. ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ. How I was raising all these children by myself. कि मैं सारे बच्चों को किस प्रकार बढ़ा रही हूँ. Now you are coming against me when my family is prospering, when God has blessed us. अभी आप मेरे परिवार के विरुद्ध आ रहे हैं, जब परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं और हमारी उन्नति हो रही है. And she said, I am not looking back. और उन्होंने कहा कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी. And from that day, और उस दिन से, everything changed. हर चीज बदल गया. I am so grateful today. मैं आज बहुत ही आभारी हूँ. For our Almighty God. उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की. That He came into our family. कि वो हमारे परिवार के अंदर आए. He talked to my mom's heart. और मेरे माँ के हृदय से बात किया. And he set us free. और उन्होंने हमें छुटकारा दिया. Because the Bible says. क्योंकि बाइबल कहती है. Taste and see that the Lord is good. चख के देखो कि प्रभु भला है. As you make the decision. जब आप निर्णय लेते हैं. If you are suffering today, अगर आज आप बीमार हैं. If there is things going on in your life today, अगर आपके जीवन में ऐसे काम है जो आप जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे. Or your children are out there, या आपके बच्चे बाहर हैं. They are suffering, और वो परेशान हैं. They are making wrong decisions, वो गलत निर्णय ले रहे हैं. There is a God, एक प्रभु है. Who loves us, जो हमसे प्यार करते हैं. Who cares for us, जो हमारा ख्याल रखते हैं. Who has created us in His image, जिन्होंने हमें अपने रूप में बनाया है. He wants to set us free. वो हमें छुड़ाना चाहते हैं. He is a God of love. वो एक प्यार के प्रभु है. He is not a God of violence. वो लड़ाई वाले प्रभु नहीं है. He died for us. वो हमारे लिए मरे. He shed His blood for us. उन्होंने अपने लहू को हमारे लिए बहाया. He is calling us today. वो आज हमें बुला रहे हैं. And every time we went to church. और हर बार हम जब कलीसिया में गए. I just loved the word of God. मैं प्रभु के वचन को प्यार करने लगी. Whenever the word of God was spoken, जब भी प्रभु का वचन बोला गया, it did something to my heart. उसने मेरे हृदय से कुछ किया. Now I'm going to share a little bit about my personal life. अब मैं अपने निजी जीवन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. How I grew in God. कि किस प्रकार मैं प्रभु में बढ़ी. On my own. अपने आप से. Got to know Him.
प्रभु को जानने लगी, got to experience him. प्रभु को महसूस किया. So every time the word of God was spoken, हर बार प्रभु का वचन जब मुझसे बोला गया, I just loved it. मैं उसे बहुत ही पसंद कर रही थी. And I knew that the Lord was speaking to me. और मैं जानती थी कि प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं. I didn't understand all it meant. वो जो बोलता है वो पूरी तरीके से मैं समझ नहीं पा रही. But I loved his word. लेकिन मैं उनके वचन से प्यार करती थी. I would read it all the time. मैं हर बार उसे पढ़ती थी. I want to submit to you today. और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ. Everywhere I go. मैं जहाँ भी जाती हूँ, I always tell people. मैं लोगों को ये कहती हूँ. To make his God's word. कि प्रभु के वचन को your dictionary. आपके शब्दकोश बनाएं. Because everything is in here what you need. क्योंकि आपके जीवन में जो भी जरूरत है वो सब यहाँ है. All the answers of life. जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर is in here. इसके अंदर है. I'm standing in front of you today alive and well. आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ. Sharing with you my story. अपने कहानी को आपको बता रही हूँ. Sharing what God has done in my life. ये बता रही हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है. And I believe with all of my heart. और मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करके ये बोलती हूँ. Is because of his word. कि ये सब परमेश्वर के वचन के कारण है. Because God encouraged me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उत्साह दिया. To know him. उनको जानने के लिए. To know his word. उनके वचन को जानने के लिए. It sets us free. ये हमें छुटकारा देता है. It's important to see it with our eyes. ये बहुत जरूरी है कि हम इसे अपने आँखों से देखें. And read it with our own eyes. और अपने ही खुद के आँखों से इसे पढ़ें. And hear it with our own ears. और अपने खुद के कानों से इसे सुने. And meditate on His word. और इस पर मनन करें. Because sometimes, क्योंकि कभी कभी, what you hear out there, जो आप बाहर सुनते हैं, is necessarily not all true. शायद पूरी तरीके से सच नहीं है. You ask the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से पूछिए. To teach you. कि वो आपको सिखाए. To lead you. और आपको चलाए. To guide you. और आपको राह दिखाए. And that's what happened to me. ये मेरे साथ हुआ. So I want to encourage you with this. तो आज मैं आपको इस बात से उत्साह देना चाहती हूँ. It is important to know His word. ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को जाने. I am saying this over and over. मैं इसे बार बार इसलिए कह रही हूँ. Because it is important. क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है. It will save your life one day. ये आपके जीवन को एक दिन बचाएगा. As we come to the end of this program. जैसे हम इस कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं. Father, in the name of Jesus. पिता यीशु मसीह के नाम से. I pray. मैं प्रार्थना करती हूँ. I give you glory. मैं आपको महिमा देती हूँ. I give you honor. मैं आपको आदर देती हूँ. I thank you. मैं आपका धन्यवाद For who you are, कि आप जो हैं, and what you did in my life, और जो आपने मेरे जीवन में किया, in my family's life, मेरे परिवार के जीवन में किया, as I have shared your testimony, अभी जब मैंने अपनी गवाही दी है, and all of them that are listening, वो सभी जो सुन रहे हैं, that you did touch them, Father, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें छूए पिता, you will bring a breakthrough in their lives, उनके जीवन में एक छुटकारा को लेकर आइए, Lord, that you will heal them, प्रभु आप उन्हें चंगा करिए, and set them free, और उन्हें छुड़ाइए, as they reach out to you, जब वो आपकी ओर देखे, in Jesus name, यीशु मसीह के नाम से, Amen, Amen. Until we meet again next week, जब तक हम अगले हफ्ते ना मिले,